हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण, मैं आज आपको सनलाइट टेस्ट दिखाने वाला हूं, जो कि आगे आपको पूरा बिल्कुल जूम होके बिल्कुल रियल वीडियो आपको दिखने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप रिजल्ट हमेशा अच्छे से नहीं दिखाते, तो इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके बहुत अच्छे बिल्कुल क्लियर बिल्कुल पास से पूरा रिजल्ट दिखाया है, जो कि आप आगे देखिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सनलाइट में क्या कंडीशन होती है इन बालों की, क्या कंपेरिजन में ऐसा लगता है कि आपके ट्रांसप्लांट के बाद आपके बाल क्या उतने नेचुरली नहीं दिख रहे जैसे दिखने चाहिए। तो आप खुद ही देख सकते हैं मेरे जो ट्रांसप्लांट हुआ था उन बालों की कंडीशन, जूम में क्या कंडीशन दिखती है। ठीक है, तो आपने ये कंडीशन देख ही ली कि क्या बिल्कुल नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही आपको फ़र्क पड़ने वाला है। आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। एक मुझे ऐसा लगता था कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं, उसके बाद मेरी कंडीशन कुछ अलग ना दिखने लगे, मैं डिफरेंट ना दिखूं और वो कंडीशन ना रहे, मेरे पैसे बर्बाद ना हो जाए, तो कुछ ऐसा ना हो इसलिए मैंने या धूप से बच के चलूं। या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद मैं धूप से बच के चलूं। जिनका ट्रांसप्लांट ठीक से नहीं हुआ है उनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता और उनके बालों की जो डेंसिटी होती है वो भी ठीक नहीं होती, तो इस कारण से उनका जो धूप में जाते हैं तो उनकी डेंसिटी ठीक नहीं होती। मैंने जो ट्रांसप्लांट कराया, तो ये एक हिसाब से समझ लीजिए कि मैंने बहुत ही ऐसी कंडीशन में, जैसे लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब बहुत कम पैसा खर्च करके मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है, और उसके बाद ही आप मेरे बालों की कंडीशन देखिए कि बिल्कुल ऐसा नेचुरली बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप यदि जानना चाहते कि मैंने ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया है, तो मैंने हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल से कराया है। मेरा जो ट्रांसप्लांट है, मेरा डॉक्टर अंकित जैन ने ट्रांसप्लांट किया है, जो कि भोपाल में ही उनकी क्लिनिक है, भोपाल से ही मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। वो भोपाल में ही रहते हैं, भोपाल में ही करते हैं, कहीं कोई बाहर से डॉक्टर नहीं आता। कई ऐसी क्लिनिक होती है जहाँ से बाहर से डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वहाँ की कंडीशन ये है कि वहाँ पर हमेशा डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, और ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी आप बात करोगे, कॉल करोगे, कोई भी आपको क्वेश्चन रहता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप बात करोगे, तो हमेशा वो लोग कॉल अटेंड करते हैं और आपसे बात करते हैं, आपको सर्विस देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं दिखाने वाला हूँ कि जहाँ से ग्राफ्ट को निकाला जाता है, जैसे आप पहले की मेरी कंडीशन देखिए, जब ग्राफ्ट निकालने के बाद मेरा मतलब इतना एरिया जो आपको पिक्चर दिख रही है, इतना सारा एरिया से मेरा मतलब बाल निकाल लिया गया था। और देखिए आप कंडीशन की, आप कभी सोच सकते हो कि मतलब बाल क्या नॉर्मल पहले जैसी कंडीशन हो सकती है, इतना ज़्यादा एरिया बिल्कुल बहुत सारे बाल निकाल लिए गए हैं, आपको दिख ही रहे हैं। अब आप उन बालों की कंडीशन अब देखिए कि कितने बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। एक मैं उस पर्सन का दिखाता हूँ जिन्होंने ट्रांसप्लांट नहीं कराया है, जिनके डोनर एरिया बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनका नॉर्मल एक डाल के रखा है कि देखिए उनका जो डोनर एरिया है उसकी कंडीशन, और मेरी आप कंडीशन देखिए कि मेरी ऐसी है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपके सामने ही है। मैं इसलिए ही ये वीडियो लेके आया हूँ कि सनलाइट में आखिर क्या फ़र्क पड़ता है, आप ट्रांसप्लांट कराती है उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क उनको पड़ता है जो ट्रांसप्लांट ठीक जगह से नहीं कराते हैं, जिनका ट्रांसप्लांट ठीक नहीं होता है, जिनका जो सनलाइट की कंडीशन होती है, लाइट में जो लाइटिंग एरिया है उस एरिया में कैसी कंडीशन रहेगी, तो आप खुद ही देख लीजिए। नहीं तो किसी को लगता होगा जैसे बाल झड़ जाते हैं, तो अभी आप नोटिस करते हो, जैसे आपके बाल नहीं है तो आपने नोटिस किया होगा कि आप जैसे बाहर जाते हो या लाइट में जाते हो या धूप में जाते हो या कभी पानी गिर जाता है बालों पे, तो एक पूरे बाल चिपक जाते हैं, वो बाल इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आपका जो स्कैल्प है, स्किन है, वो दिखने लगती है, ऐसा लगता है इनके बाल झड़ गए हैं। और आपके जब बाल सूखे हुए रहते हैं, आप तेल भी नहीं लगाए होते हो, तब उस पर टाइम पर कंडीशन कुछ अलग होती है, तो ऐसा ना फील हो। तो इसलिए मैंने ये सारी जो एक कन्फ्यूजन होती है वो मैंने क्लियर कर दी कि आप ट्रांसप्लांट कराने से पहले आप निश्चिंत हो जाइए इस चीज़ से। ठीक है, एक बात ये हो जाती है। इसके अलावा डोनर एरिया मैंने दिखा ही दिया है आपको, मेरी वो कंडीशन आप देखिए कि पहले मैं ऐसा दिखता था, आज मैं ऐसा दिखने लगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं आपके मेरे हिसाब से। यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होता है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा। एक चीज़ और बतानी थी कि जैसे मैं कैमरे पर आपको दिखा रहा हूँ तो वो थोड़ा उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता जो आप बाय फेस देख सकते हैं,
जैसे आपको वाई फेस देखना तो कभी हॉस्पिटल जाइएगा, वहाँ पे एक ना एक पेशेंट मिल ही जाता, मुझे मिल गया था कोई ना कोई, तो ऐसे ही सबको पेशेंट मिल जाते, तो आप एक बार जाके देख लीजिए, वहाँ पे कोई पेशेंट मिल जाएगा तो आप उनकी नॉर्मल कंडीशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे बस यहाँ तक आपको बताना था। मैंने आपको सनलाइट की टेस्ट बता दिया कि ऐसी सनलाइट कंडीशन क्या रहेगी, जब धूप पड़ेगी तो आपके बाल कैसे दिखेंगे, तो ये दिखाना था आपको। मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही टेस्ट हमेशा मिलते रहें। अभी मेरे 5.5 महीने हुए हैं, अभी मैंने रिजल्ट शो किया था जिसकी आपको वीडियोज भी मिल जाएगी मेरे इसी चैनल पर। इसके बाद मैं लगातार 6 महीने, 6.5 महीने, 7 महीने, 7.5 महीने, 8 महीने, ऐसे लगातार रेगुलर मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा लगातार 11-12 महीने क्या मैं लगातार ही आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। यदि आप सोच रहे हैं ट्रांसप्लांट कराने का तो पहले आप मेरा रिजल्ट देख लीजिए पूरा, तभी ये 5.5 महीने का या 5.5 महीने पहले कंडीशन क्या थी आप वो भी देख लीजिए। तो ऐसे ही लगभग रिजल्ट जो है मैं लगातार पूरा शेयर करता रहूँगा कि ताकि आप जब ट्रांसप्लांट कराओ उसके बाद आपको मेरे से कंपेरिजन कर सकूँ कि आपका कितना आ गए, मेरे बाल कितने आए थे, तो आप ये देख सको। इसलिए मैं ये पूरी सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आपको इस चीज़ की हेल्प मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक यू।